लियो बे छोरे माता जी बैठी के साथ अखबार का एंजॉय ले रही बेचारी, एक दिन भी स्कूल में नहीं गई, सिर्फ फोटो देगा सारी खबर का एस्टिमेट लास्ट का भैया कलाकारी हरियाणा की बुटी हमको सूती डाला है। साहब पीकर बैठे इतने में बाहर आ जाता अपना प्यारा सब्जी वाला मरावटा पंडा भर के नारियल ला रहा था। सुते बड़े बड़े मानी गान कर सबसे पहले तो नारियल छोल दे मखारा यो बड़ा नारियल यो क्या कह दिया बेला जी 60 रुपया का छोटा होते बड़ा एक दाम में होगा। बहुत बढ़िया बात भाई, ओडेड बड़े ले आकर फिर आएगा तू साथ में लुगाई ना नार भी तुलवा लिया लाला ना नार लेके आ रहा छोरा 1 किलो नार तुलवा लिया मगा छोल छोल और दे दिया लुगाई असल में जूस काट दे तू जीस आया जब नार चाबण में गला फू दुखन लाग जाए। नारियल पानी पीकर लग जाता हूँ, वे कंप्यूटर का काम में कुछ मेल बाजी करनी थी, न्यून कस्टमर आरोप कर देता हूँ, उसके बाद नारियल खोल कर देखता हूँ कैमरा भीतर मलाई भी पा जाए पाड़ के देखता हूँ, बाकी करमास गणे ठीक नहीं थे वे मलाई नहीं पाती है। नारियल ने पाड़ का बाहर भगा देता हूँ, वे कुछ नहीं लिख रहा उसके अंदर भीतर का देखता हूँ। लुगाई ने नया काम जमा रखा भाई दूध बिलोन वाला काल वाला ब्लॉग में मैंने थारती दिखा था कैसे कैसे इसने मलाई जमाई थी कैसे इसने दूध जमा था जा गई कार्रवाई दिखाता हूँ भाई कैसे सारी दही को डाल देती है बरोला के अंदर ऊपर ला दे रही ने एक लोटा दही ली थी भाई डेढ़ लोटा पानी गिर दिया रही लगा देती है ऊपर तो मैंने बुला लिया राकार साथ में अनिल भाई गाड़ी स्टार्ट करनी भाई सामान सट्टा धर के आना जो अपना ड्राइवर का कमरा लिया था सामान टेक के आना था बलेरो स्टार्ट करने का प्रोग्राम था या बलेरो 15-20 दिन तक खड़ी थी मेरा जच्चा कौन थी झटका स्टार्ट हो जाएगी मैं धक्का मारना पड़ेगा जहाँ तक बुलाए थे पर एक झटका तो स्टार्ट हो जाती है मगर आके तो कसूती भगवान गाड़ी है भाई 15-20 दिन हो गए खड़ी ना को तुक्का नहीं मनता एक स्लब में स्टार्ट होने का एक स्लब में स्टार्ट होगी चाड़ा पाट दिया इसने तो हमने ड्राइवर वाले कमरे में ले जाने खातर सारा सामान इसमें लोड कर दिया राका ने एक नया काम पा गया था जितने भी कब्जे थे सब मैं तेल देने लगा डाके सारे चढ़ चढ़ करे थे रेडी बना देता लड़का सारे कब्जों को। इसके बाद हमने सारा सामान सप्टा में लाद लेते हैं बलेरो के अंदर जितना तेल चलो ट्रम शटर मारा था जेसीबी का वो भी इसी के अंदर लाद देते हैं भाई खाट खटोली सारा लाद कर निकल देते हैं पहुंच जाते हैं हम लोग सीधे कमरे पे। कमरे पर जाते हुए पहले तो राका मुआयना करता है चुगुर्द हांड फिर के सारी पानी की टूटी टाटी देखा भाई तार तूर देखा सब कुछ ओके था उसके बाद सामान तारना शुरू कर देता है लड़का छोटा मोटा का था को जाड़ा जपटा था भाई वो तार दिया को छिपकली छपकली थी वो सारी बजा दी उसके बाद खाट बिस्तरे तार देता सारी बाल्टी उल्टी सारी भीतर तार देता न्यू ब्लाज और की मैं काम रह गया तो बता दी मां भाई एक पंखा और टांगना बिलाना पंखा टांगना अपना बस का काम कौन मिस्त्री बुलाना पड़ा मां चलो तो वापस चलते भाई बलेरो में बैठ के वापस निकल देते हैं घर के लिए। घर पहुंचे तो छोटा लड़का एंजॉय करता मिला थोड़ी देर लड़के के साथ खेलते हुए फुगनी तल रखी थी लड़के की फुगनी खाते फिर मैं नहीं प्यादे की मेरा करना छोरे गणियान मेहनत करके आए हैं लुगाई न्यू बिलीन खातर जूस बना दी मैं तेरे खातर मौस मिली थी मैं न्यू पड़ी मां सही कही बात भाई मैंने तो जूस का सूता कड़वा लगा था इनके भीतर में जानते सारा जूस ने यह बात सुनते लुगाई मंड जाती है जूस काटने खातर भाई गद्दागत 4 गिलास जूस के तैयार कर देती है चारों मान समय के गिलास जूस का मारते हैं जूस की पहली घुट मारते हैं भाई नहीं बुंडा मुंह बनाया बिला जी तो कसूता कड़वा मैं कैसी बात कर रहे हो मैंने बुखार का चक्कर में कड़वा लगा था हम तो ओके मानो से हमने क्यों कड़वा लगा पीजा आंख मिच के चढ़ चढ़ जूस पीकर रखकर तो लकड़ ले घर के लिए लुगाई लग जाती है अपने दाना पानी के प्रोग्राम में भी घी काटने का काम भी रह रहा था भाई घी काटने मंड जाती है लुगाई ने आज फिर 250-300 ग्राम घी तैयार कर दिया है आज रात ने लुगाई राजमा भी तैयार कर रही थी सवेर सवेर रेडी कर दी राजमा साथ में लगा दिया भाई लसन कार प्याज का छोक कसूती जाली में खुशबू उठने लग रही मां जी आओ भाई खाना खाना मां जी सिंगा तो तैयार हो जा जमा हमने रोटी खाना शुरू करा था भाई त्रिया मां जाता नीलम का फोन बिला मौसी ओडा कथा बचन लग रही एक मंदिर मोड़ चल रही भाई मौसी तैयार है इनका अम्मा खातर भाई मौसी रेडी हो जाती है रोटी खा के बैठ लेती उनके साथ और निकल लेती कथा सुनने इतना में मेरे दरोई फोन आ जाता है भाई अपने ड्राइवर का साजन ड्राइवर अपने पुराने टाइम था अपना दौर था भाई लड़का आ गया था तैयार होकर अपने जोड़ा झंडा लिया था मैं चला जाता हूँ मिर्जापुर चौक पे उसको लेने के लिए बैठा के लिया हूँ छोड़ देता हूँ कमरे पे यहाँ पहुंचते अपना साजन पायलट बोलता है बिला जी मैंने झाड़ू लिया दो बुहारी लिया दो रेक लिया दो वाइपर इसकी साफ सफाई करूंगा फिर यो रहने जोगा बनेगा मैं जाता हूँ दुकान पर दो आइटम तो ले लेता हूँ लुगाई निबली तीसरा घर तक लीजिए तीसरा आइटम वाइपर घर तक ठा लिया उड़ा जाते हैं मैंने 300 सौदे दे दिए फिर बुला लिया अपने भूप इलेक्ट्रीशियन को भाई मगा पंखा और फिट करते हुए भूप लग जाता है पंखा फिट करने में इतना मैं घर पहुंच गया था एक प्यारा फ्लोर भाई उसके साथ भी हेलो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ मैं हंडी वाले का टेम होगा चा का टेम होगा तो लुगाई ने चाह तैयार कर दी मैं बैठ के चाय पीते चाय का एंजॉय लेते हुए बिस्कुट के साथ और भाई थामने तो बेरा है चाह मैं बिस्कुट डबो के खाने में अपने कितना दिशा हो चाय बिस्कुट का एंजॉय लेकर मैं निकल लेता हूँ ऑफिस के लिए लुगाई निबली गाँव की रोटी लीजिए हाथ में माता जी ने एक नया फरमान और सुना दिया बोला भाई थारी बीच में बहुत गणी चिड़िया हूँ इन खातर भी छोटा छोटा करके रोटियां टूक गे रहा करो मां ठीक है माता जी लुगाई ने रोटी चूर दी मैं धर देता हूँ बीच पर चिड़ियाओं के लिए और बाकी रोटी लेकर निकल लेता हूँ गौ माता के लिए कल देखेंगे चिड़िया ने कितनी रोटी खाई कितनी नहीं खाई रास्ते मिल जाते गौ माता प्यारी गौ माता को ब्रेकफास्ट करवाता हूँ आशीर्वाद लेता हूँ और निकल लेता हूँ आगे ऑफिस के लिए और ऑफिस से वापस आते हुए एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज मिलता है बड़ी छोटी उम्र के फ्लोर मिल जाते हैं बहुत ही प्यारे लड़के थे सारे लड़कों के साथ नारा लगाता हूँ पहुंच जाता हूँ सीधा नारा साहब के पास थोड़ी देर नारा साहब के साथ बैठ के गपशप करता हूँ फिर अपना साजन पायलट बोलता जी मैंने कोई सौदा सप्ताह लेना है नान दोन का ट्रम शटर माचाल में इतना दुला के लाता हूँ दिला देता हूँ सारा सामान उसको कमरे में छोड़ देता हूँ इसके बाद साजन पायलट को डिनर भी पकड़ा देता हूँ मां साजन आज रात तो आराम करवे कल तक काम शुरू कराएंगे साजन को छोड़ के निकल देता हूँ सीधा पहुंच जाता हूँ माता जी के पास ससुराल में जाते ही माता जी आशीर्वाद देती है फिर देखता हूँ छोटा बच्चा लाग रहा है बेचारा काम में भी कसूता दुखी हो रहा है बड़का क्यों कर लठा जा जामते पढ़ाई लिखाई कर रहा है रास्ता यो भी और अब समय हमारे आज के मोस्ट लाइक कमेंट के विजेता घोषित करने के आज के विजेता हमारे बहुत ही प्यारे छोटे भाई गणेश कड़वासरा जी छोटे भाई को बहुत बहुत बधाई हो और आज हमारे समस्त हरियाणा वासियों के लिए एक बहुत बुरी खबर भी आई भी हमारे प्यारे गायक राजू पंजाबी जी का ऐसे में निधन हो गया और इन्हीं कारणों से मैं सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूँ जितना हो सके जीवन का एंजॉय लो क्या पता है जीवन का बुलबुला सा कब फूट जाए भगवान दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दो इसी के साथ आज का लोग यही समाप्त करते सारे बाण भाई ना जितराड़ भाई की राम राम।